friends, in my channel ASW Education. So today we will discuss about the electrical contactor. Electrical contactor क्या होता है? तो ये basic diagram पे आने से पहले मैं कुछ points discuss करूँगा जो कि contactor क्या होता है उसके बारे में है, ठीक है? तो ये जो diagram है ये actually एक example है जो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है? तो कंडक्टर की मैंने कुछ थ्योरी यहाँ पे ये की है, निकाली है, तो मैं आपको वो समझाऊंगा कि क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? इज अ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग स्विच। कंडक्टर इज नथिंग बट अ स्विच। कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग स्विच यूज फॉर स्विचिंग एन इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट। जो इलेक्ट्रिकल अपने पावर सर्किट होता है उसे ऑन या ऑफ करने के लिए हम कॉन्टैक्टर्स यूज करते हैं, और ऑटोमेशन में भी कॉन्टैक्टर्स यूज किए जाते हैं, जैसे पीएलसी बेल्स जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो। इट इज सिमिलर टू रिले विथ हायर करंट रेटिंग। आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, तो रिले भी तो यही काम करता है, मतलब ऑन और ऑफ करने का। भले ही रिले कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को, पर जो कॉन्टैक्टर है उसकी जो करंट रेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अपन कोई भी स्विच लेता है तो उसकी जो करंट रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं स्विच के जगह, ठीक है? कॉन्टैक्टर कैन कंट्रोल विथ लोअर पावर सर्किट कंपेयर टू स्विच सर्किट। जो स्विच सर्किट में लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो कॉन्टैक्टर में लॉसेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम लोअर पावर में हम इसे यूज़ कर पाते हैं, इसलिए हम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्टर कम इन मेनी फॉर्म्स विद वेरिंग फीचर्स। तो जो कॉन्टैक्टर्स होता है उसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं कि हम अलग अलग टाइप से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम स्विच करने के लिए मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसके फीचर्स ज़्यादा है, जबकि स्विच सिर्फ मैनुअली हम ऑपरेट कर सकते हैं। अनलाइक सर्किट ब्रेकर, कॉन्टैक्टर डू नॉट इंटेंडेड टू इंटरप्ट शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसको कॉन्टैक्टर इंटरप्ट नहीं कर सकता। मतलब कॉन्टैक्टर हम सेफ्टी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्टैक्टर हम सिर्फ यूज़ करते हैं स्विचिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है? कॉन्टैक्टर हैविंग रेंज ऑफ सेवरल एम्पियर्स टू सेवरल किलो एम्पियर्स। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे फीचर्स बताया तो वैसे ही उसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, एंड 24 वोल्ट डीसी टू मेनी किलोवोल्ट इन डीसी। मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेंज है वो भी बहुत हाई है, इसलिए भी इसका एक एडवांटेज है कि हम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं स्विच की जगह। तो अभी हम आएंगे यूज़ के ऊपर। यूज़ क्या है? कॉन्टैक्टर यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक मोटर, लाइटिंग, कैपेसिटर बैंक्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल लोड्स। यूज़ में हम क्या लिखेंगे कि यूज़ में क्या होगा कि सिर्फ स्विचिंग, जैसे मोटर की स्विचिंग हो गई सेफ्टी, लाइटनिंग की हो गई, लाइटनिंग मीन्स कोई भी इंडस्ट्री में लाइटनिंग लोड हो वो, कैपेसिटर बैंक्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल लोड्स, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर का सर्किट डायग्राम बनाया है जो कि मोटर के साथ है, ठीक है? मतलब ये एग्जांपल हो गया मोटर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये कॉइल है ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है, ये जब भी मैग्नेटाइज होंगी ये क्या करेगी, ये जो स्विचिंग पॉइंट्स है ये इसको खींचेगी, और जैसे ही खींचेगी ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये मोटर को सप्लाई मिल जाएगा, और ये है सर्किट ब्रेकर। तो और जब ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी ये क्या होगा, ये इसे ऊपर ढकेल देगी और ये फिर से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगी। तो यही प्रिंसिपल है कॉन्टैक्टर का। कॉन्टैक्टर, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है, कॉन्टैक्टर इज़ नथिंग बट अ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग स्विच यूज फॉर स्विचिंग एन इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक ऐसा लिख के ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से नोट्स बनाने में आसानी जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।